मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। अरे ओ मुन्ना, तू इनके चार डंडों से डर गया रे? ये देख कितना मारा है मुझे। अरे इनका काम है मारना और हमारा काम है मार खाना। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के खलनायक यानी संजय दत्त, जिनको हम उनकी बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन के लिए जानते हैं, उनका निभाया हर एक किरदार अपने आप में एक मास्टरपीस होता है और फैंस उनकी हर एक फिल्म का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। वही संजू बाबा की आज से ठीक 31 साल पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने दुनिया को समझाया था कि असली विलन क्या होता है, और वो फिल्म थी संजय दत्त की एक्शन थ्रिलर फिल्म खलनायक। इस फिल्म ने अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। साथ ही फिल्म के डायलॉग्स, एक्शन और बेहतरीन स्टोरी के साथ साथ दिल को छू जाने वाला दमदार म्यूजिक भी देखने को मिला था, और आज भी लोग खलनायक फिल्म को देखना बहुत पसंद करते हैं। वहीं अब 31 साल के बाद मेकर्स तैयारी कर रहे हैं फिल्म के सीक्वल यानी खलनायक 2 को बनाने की, और अब हर दिन फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आता ही रहता है। वहीं अभी हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से तैयार है, और मैंने फिल्म की कहानी संजय दत्त को भी सुनाई है और संजय दत्त ने भी इसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। इस इंटरव्यू के बाद फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है फिल्म को लेकर। वहीं इस बार मेकर्स फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाना चाहते हैं, इसलिए खलनायक 2 में हमें संजय दत्त के साथ और भी कई बड़े मेगा एक्शन सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी खलनायक 2 में नजर आने वाले हैं, और खबरें तो ये भी आ रही है कि फिल्म के मेकर्स ने सलमान खान के लिए भी एक दमदार रोल लिखा है जिसमें इस बार संजय दत्त और सलमान खान एक साथ नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बन सकती है, क्योंकि फैंस भी इन दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की, तो इस बार भी फिल्म में हमें संजय दत्त के साथ एक बार फिर से जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ बात करें फिल्म की स्टोरी और रिलीज डेट की, तो फिल्म की स्टोरी की तो खलनायक 2 में बल्लू की जेल से बाहर निकलने के बाद की कहानी होने वाली है, जिसमें खलनायक की आगे की लाइफ में क्या हुआ वो सब फिल्म में दिखाया जाएगा। वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो खबरें हैं कि अगले साल यानी 2024 में फिल्म का शूट शुरू हो सकता है, और ये फिल्म हमें 2025 तक सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी खलनायक 2 में सलमान खान और संजय दत्त को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।